नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम. नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, हमने पहले देख लिया क्या क्या कंपोनेंट है. पहला टॉपिक हमने पकड़ा है प्रेसिपिटेशन. ठीक है, और प्रेसिपिटेशन में हमारा पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो आपको पता है प्रेसिपिटेशन क्या होता है? पानी गिरना या स्नोफॉल गिरना या कुछ भी. तो सबसे कॉमन क्या है? रेनफॉल, जो सब जगह होती है ना. तो रेनफॉल क्या है? कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है. अब आप पता कैसे करोगे कि ये रेनफॉल है कि ये ड्रिजल है या कुछ और है? तो इसके लिए एक गाइडलाइन है. रेनफॉल हम तब बोलेंगे जब वाटर का जो मॉलिक्यूल है या वाटर का जो ड्रॉपलेट है उसका साइज 0.5 mm से 6 mm के बीच में होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रेनफॉल. ठीक है, अब टाइप ऑफ रेन भी होती. कई बार आप क्या बोलते हो कि धीरे बारिश हो रही है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है ना. तेज बारिश हो रही है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है. अब आप इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हो? इंटेंसिटी का यूनिट होता है mm पर आवर. ठीक है, मान लो एक घंटे की बारिश हुई और ये नॉर्मल रोड थी मेरी, इसमें मान लो 8 mm पानी भर गया एक घंटे की बारिश में, तो इंटेंसिटी क्या कहलाएगी? 8 mm पर आवर. ठीक है, यही 8 mm अगर 2 घंटे में भरता तो इंटेंसिटी क्या कहलाती? 4 mm पर आवर, आधा हो जाता वो. क्लियर है? तो उसी हिसाब से हमने रेन को बांटा हुआ है इंटेंसिटी के हिसाब से. तो अगर मेरी इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर से कम है, ठीक है, अगर मेरी इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर से कम है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा लाइट रेन. ठीक है, सिमिलरली अगर ये 2.5 से 7.5 के बीच में है तो मैं इसको बोलूंगा मॉडरेट रेन. ओके, और अगर ये 7.5 से भी ज्यादा है, मतलब बहुत तेज हो रही है बारिश, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? हैवी रेन. क्लियर है रेनफॉल? नेक्स्ट देखते हम. नेक्स्ट टाइप है स्नो. बहुत लोगों ने देखा होगा है ना, यहां पे तो इंडिया में होती है स्नोफॉल है ना, लेकिन बहुत कम जगह में होती है. कहां पे होती है? हिमालयन रीजन में. ठीक है, तो स्नो देखा होगा सबने, टीवी में तो देखा ही होगा है ना. कैसा होता है स्नो? स्नो के आइस फ्लेक्स होते हैं इसके. ठीक है, बहुत हल्का आइस होता है ये. ठीक है, बहुत हल्का बर्फ होता है जिसकी डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि डेंसिटी वेरी करती है 0.06 से 0.15. हम एवरेज मान के चलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसका होता है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर. क्लियर है? अब स्नोफॉल होती क्यों है ये देखते हैं. और स्नोफॉल वहीं होती है जहां ठंडा होता है ना, हिमालयन रीजन. तो ये मैं मान लेता हूं कि कोई ग्राउंड है ना, ग्राउंड लेवल. तो हम ग्राउंड लेवल ले लेते हैं और ये वहां का अपर लेवल है जहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है या जहां पे इवोपरेट होके जा रहा है पानी. तो हिमालय में क्या होता है, नीचे का टेम्परेचर कैसा रहता है? जीरो या कभी कभी कैसा होता है? -6 डिग्री सेल्सियस भी है नीचे. मान लो ऊपर क्या होगा? ऊपर और ज्यादा होगा. आपको पता है हम किस, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फियर. और ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं टेम्परेचर क्या होता रहता है? कम होता रहता है. तो मान लेते हैं हम ऊपर का टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस. तो ये पानी गया, इवोपरेट हुआ, ऊपर क्या हुआ? कुछ स्नो बन गया है ना, आइस बन गए कुछ. अब वो जब नीचे आएंगे तो वो क्या गर्म होंगे क्या? नहीं, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर भी -6 है. तो नीचे भी वो कैसे फॉर्म में आएंगे? आइस के फॉर्म में. लेकिन इनकी डेंसिटी कैसी होती है? बहुत कम.
क्लियर है स्नोफॉल कैसे होता है। चलिए, और कहां पे होगा ये? हिमालय, हिमालयन रीजन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रिजल। ड्रिजल क्या होता है? एक बहुत ही फाइन स्प्रिंकल ऑफ वाटर। रेन क्या हो गया? ज्यादा बड़ा। ड्रिजल रेन से थोड़ा छोटा, पानी ही गिरेगा, लेकिन यहां पे हमारा वाटर ड्रॉपलेट कैसा होगा? लेस देन 0.5 mm। नोट कर लेंगे इसका वाटर ड्रॉपलेट कैसा होगा, 0.5 mm। और इंटेंसिटी कैसी होगी? इंटेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी कम होगी, तभी तो हम इसको ड्रिजल बोल रहे हैं। और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी अराउंड 1 mm, होगी अराउंड 1 mm पर आवर से भी कम। ठीक है, इंटेंसिटी कैसी होगी? 1 mm पर आवर से भी कम। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं हम ग्लेज। ग्लेज क्या होता है? व्हेन रेन और ड्रिजल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड, कोल्ड ग्राउंड एट अराउंड 0°C, द वॉटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज टू फॉर्म एन आइस कोटिंग कॉल्ड ग्लेज। ग्लेज को हम समझते हैं, मान लीजिए नीचे का टेम्परेचर, इसी को लेता हूं एग्जाम्पल, नीचे का टेम्परेचर यहाँ का हो गया 0°C। अब मान लो पानी ऊपर है, गर्मी, ठीक है, मान लो ऊपर है, थोड़ा कम टेम्परेचर या गर्म है, ये किसके फॉर्म में आ रहा है? ये स्नो के फॉर्म में नहीं आ रहा है। अब ग्लेस समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है, ग्लेस को ही देख रहे हैं हम। ये क्या हो रहा है? ड्रिजल या रेन हो रही है किस फॉर्म में? वॉटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। लेकिन नीचे क्या है? नीचे टेम्परेचर बहुत ही कम है, 0°C है। जैसे ही ये पानी नीचे आएगा, यहाँ पे ये क्या बना देगा? एक कोटिंग बना देगा आइस की। आइस की क्या बन जाएगी? एक कोटिंग बन जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लेज। क्लियर है ग्लेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्लीट। स्लीट, स्लीट में क्या होता है? स्लीट और ग्लेज मोर और लेस बहुत एक से लगते हैं हमको, ठीक है, लेकिन ग्लेज में क्या होगा? जब पानी ग्राउंड में आएगा तब वो आइस बनेगा, है ना। ग्लेज में क्या देखा हमने? ऊपर जब आ रहा था तब तो लिक्विड था, नीचे जैसे ही पहुंचा वो क्या हो गया? सॉलिड बन गया, आइस के फॉर्म में एक कोटिंग हो गई ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीट। स्लीट में क्या होगा? इट इज अ फ्रोजन वाटर रेन ड्रॉप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स व्हिच फॉर्म्स व्हेन रेन फॉल्स थ्रू एयर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो ग्राउंड में था जीरो, अब हम देखते हैं स्लीट में, मान लो ग्राउंड है आपका, ये ऊपर जहां से पानी आ रहा है, बीच में क्या हो रहा है? कुछ ठंडी हवाएं उस पानी के कांटेक्ट में आ जा रही है। ये मेरा पानी गिर रहा था यहां से, और ठंडी हवाएं, एयर, कोल्ड एयर इसके थ्रू पास हो रही है, तो ये पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और किस फॉर्म में गिरेगा? ये एज अ छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट जो कि जम चुके हैं, उस फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी कन्वर्ट हुआ आइस में, लेकिन ये कहाँ हुआ? एयर में कन्वर्ट हो गया ये वाला, ठीक है, स्लीट। लेकिन ग्लेज में वो आइस में कब कन्वर्ट होगा? जब वो ग्राउंड में पहुंचेगा। क्लियर है ये दोनों का डिफरेंस? ठीक है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, कहीं कहीं जगह आपको समझ में नहीं आएगा, बुक में देखेंगे तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्लेज और स्लीट में क्या डिफरेंस। लास्ट देखते हैं हम फॉर्म जो कि है सबसे खतरनाक, हेल। हेल या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं ओला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओला, है ना, कैप वाला ओला नहीं, ओले। ओले गिरते हैं तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? ये एक इरेगुलर लंप्स ऑफ आइस, मतलब बर्फ का पत्थर होता है जिसका साइज साइज ऑफ साइज मोर देन 8 mm, मोर देन 8 mm, 8 mm से भी
बड़ा एक आइस होता है, सोचो ये जब ऊपर से आके गिरेगा तो क्या होगा, सर फट जाएगा आदमी का, है ना, इतना स्ट्रांग होता है ये कैसे फॉर्म होता है? अब देखा होगा आपने, ओला तो कहीं पर भी गिर जाता है ना, इसके लिए जरूरी क्या हिमालय होना चाहिए या ग्राउंड का टेम्परेचर जीरो होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे मान लो आप ग्राउंड का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, या मान लेते हैं हम 15 डिग्री सेल्सियस है प्लस में, लेकिन ऊपर का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं हम माइनस 12 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, इवोपरेट हो रहा है, और वहां पे क्या बनते जा रहे हैं, आइस के लम्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये लम्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा बनते जाएंगे, तो थोड़ा टाइम आएगा तब क्या होगा, इनको एयर जो है अपना या एटमॉस्फेयर है वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे एज अ, क्योंकि ये मेल्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये तुरंत ही गिरेंगे भड़बड़ा के, तो ये मेल्ट हो पाएंगे, कि आप फ्रिज से निकालते हो बर्फ तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है, यहाँ पे भी वही होगा, ये बर्फ के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। या फिर दूसरा एक है कि जब इनमें बहुत ज्यादा वर्टिकल करंट जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या होगा, ठंड से एक डेंस आइस लंग बन जाएगा। ठीक है, जहां उसमें भी रहा था करंट लेकिन उसमें कम जा रहा था, इसमें क्या होगा, वो डेंस हो जाएगा आइस। ठीक है, तो एक आइस का स्टोन सा गिरेगा आपके ऊपर। क्लियर है हेल, क्लियर है आपको छह फॉर्म?